नमस्कार, मैं मंजरी चतुर्वेदी। आज जैसे कि आजकल अगर कहूँ तो डिस्क्लेमर का ज़माना है, तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर इस टॉक से पहले कह रही हूँ। अगर कहीं अंग्रेज़ी के शब्द आ जाएं और हम कहीं अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल कर लें तो माफ़ कीजिएगा, कभी कभी बातचीत के दौरान अनायास आ जाते हैं। सो मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ से भी इस बात की माफ़ी मांग रही हूँ पहले से। सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर कि बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं। तवायफ, रिपोजिटरीज ऑफ आर्ट, एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने तवायफ शब्द को अपनी ज़बान पे लाना सही नहीं समझा है। और इस चीज़ को आज क्या हम बातचीत करके आपस में सोच विचार कर कहीं ना कहीं इसको उस जगह से हटाएं जहां पर हमने उसको एक डेरोगेटरी जगह पर रख दिया है, जहां हम उसे नकारते हैं। अगर हम साहित्य की बात करें और खासकर काव्य की, शायरी की, पोइट्री की, लैंग्वेज की, तो वो दो तरह से लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचती है। एक होती है कि कुछ जो किताबों के ज़रिए पहुंचती है लिखकर, दूसरी जो कला के ज़रिए पहुंचती है गाकर, नृत्य से, कला के ज़रिए। अगर हम कला के ज़रिए देखें तो एक एवरेज एस्टिमेट से 400 साल ना कहूँ तो 200 साल तो कला के ज़रिए तवायफों ने ये शायरी, काव्य, लिटरेचर आम लोगों तक पहुँचाया। पर क्या उनकी उस कार्य को, उनके उस लोगों तक लिटरेचर को आम लोगों तक गाकर पहुँचाने को हमने उनको जगह दी अपनी हिस्ट्री में, अपने इतिहास में? हमने नहीं दी। हमने उनके कुछ भी कंट्रीब्यूशन को आज तक हमेशा नकारते रहे, उस पर एक हंसी उड़ाते रहे, उसको हमने कभी सीरियस रूप नहीं दिया। इसके लिए मैं आज बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रेखता फाउंडेशन की, श्री संजीव सराफ की, कि आज पहली बार रेखता, जश्न-ए-रेखता फेस्टिवल में तवायफ पर सेशन हो रहा है और तवायफ की बात कर रहे हैं कि उसने हमारी पोइट्री, शायरी, संस्कृति कैसे संभाल के संजो के रखी कि वो आज आप तक और हम तक पहुंच रही है। आज मेरे साथ दो ऐसे लोग हैं जिनको कि कोई मेरे को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। श्री सलीम किदवाई जी, जिन्होंने बहुत बरसों तक तवायफों पर और ख़ासकर बेगम अख्तर पर बहुत कार्य किया, उनके साथ रहे। और यतीन मिश्रा जी, जिन्होंने अवध की तवायफों पर बहुत काम करा, हिंदी सिनेमा पर काम किया और बेगम अख्तर पर किताब लिखी। तो जाहिर है कि जब हमारे साथ दो ऐसे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी इतना काम किया है, तो मैंने चीट नोट्स बनाए हैं क्योंकि हम तीनों बहुत पैशनेट हैं इस सब्जेक्ट के लिए और हम कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। तो उसको वापस लाने के लिए मैं बात शुरू करूंगी सलीम किदवाई जी से, कि जैसे मैंने कहा कि हमने तवायफों को उनके कार्य के लिए कोई वजूद उनका कुछ माना नहीं, कला, संस्कृति, शायरी, किसी भी लिटरेरी प्लेटफॉर्म पर। तो क्या अगर बेगम अख्तर को देखा जाए तो अख्तरी बाई फैज़ाबादी हमको नाम पसंद नहीं आता, हमें उनको बेगम अख्तर बनाना पड़ता है उनका कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करने के लिए? देखिए, तवायफों की बात हो रही है तो एक आज के दौर में एक तरह से अप्रोप्रिएट है कि बेगम अख्तर से शुरू किया जाए, क्योंकि अगर हम तवायफ डिस्कस कर रहे हैं तो वो इस वजह की बेगम अख्तर की वजह से ये पॉसिबल है, क्योंकि वो एक जीती जागती तस्वीर थी कि कैसे एक तवायफ
اپنی پوزیشن اکنالج کرا سکتی ہے، اپنی پوزیشن منوا سکتی ہے کلچر کے جگت میں، تہذیب کے جگت میں، موسیقی کے جگت میں. بہت سی پہلے طوائفیں تھیں بلکہ انہی کے زمانے کی جو بائی تھیں بائی رہ گئیں. یہ ایک ایسی طوائف تھیں جنہوں نے اپنا درجہ خود اپنے ہاتھوں سے بدلا، اور وہ امپاورمنٹ جس کو آپ بہت دفعہ آپ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں طوائفوں سے، جنہوں نے یہ بات پروف کی. اب بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شادی کر لی اس شریف خاندان میں، اس لیے بائی تھیں بیگم بن گئیں، کسی زمیندار سے شادی کی تو ظاہر بات ہے بیگم تو بننا ہی تھی. وہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت سی طوائفوں نے شریف گھروں میں امیر آدمیوں سے شادی کی مگر پردے میں پھر چھپ کے رہ گئیں، دوسری بیویاں بن کے کھو گئیں کہیں. یہ ایک تھیں کہ شادی کر کے شریف گھر میں پھر بھی اپنی اوقات، اپنی حیثیت انہوں نے بقرار میوزیشن کے بنائی رکھی. اب جہاں تک آپ طوائف، جس بات سے آپ نے شروع کیا تھا وہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ طوائف لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے. آپ تو کر بھی رہے ہیں، 20 سال پہلے تو وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اس کی ایک بہت خاص وجہ ہے کہ اگر آپ یہ لفظ ہی نہیں استعمال کریں گے تو آپ کو ان لوگوں کی تاریخ، ان لوگوں کا کنٹریبیوشن، ان لوگوں کی ہسٹری بھی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ ہیں ہی نہیں، ان کی بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے، تو ان کے بارے میں پڑھنا، لکھنا، ریسرچ کرنا تو آپ درکنار کیجیے. ہم کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیں گے. 2002 میں لکھنؤ میں ایک نیشنل ٹیچرز کانگریس تھی، جس میں ہم نے ایک چھوٹا سا پیپر پڑھا تھا بیگم اختر، جس میں ہم نے یہ بات کی کہ وہ طوائف تھیں. اور اسی وقت آڈینس میں سے ایک سینئر پروفیسر تھیں بنارس ہندو یونیورسٹی کے، جنہوں نے ہم کو روکا اور ڈانٹا وہاں سے کہ آپ کیا بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو طوائف کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا عورتوں کی عزت کرنا نہیں آتا ہے؟ تو وہ امیجیٹلی ایک اس پورے ڈسکورس کو الٹ کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات ہو ہی نہ سکے کہ طوائفوں کی ہسٹری، ان کے کنٹریبیوشن جو ہمیشہ نگیٹ کیا جاتا ہے، ہمیشہ اریز کیا جاتا ہے، اس کا ذکر ہی نہ. مگر اب منجری جی کی وجہ سے، خاص کر انہوں نے جتنی اس میں کوشش کی ہے دا آرٹس آف دا طوائف میں، کہ یہ بات کھل کے آ رہی ہے اور ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں اتنے لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کہ یہ صرف پروسٹیٹیوٹس نہیں تھیں، یہ بہت مانی ہوئی مہیلائیں تھیں جن کی وجہ سے ہم لوگ یہاں سب بیٹھے سن رہے ہیں. اسی میں اگر آپ سے کہوں تو کیا یہ ایک جو ہم کہتے ہیں پیٹریارکل سوسائٹی تھی، پتر ستا کی ایک سوچ ہے ہماری کہ ہم بہت آسانی سے عورتوں کو اور ان کے کنٹریبیوشن کو نکار دیتے ہیں، تو کہیں طوائفوں کو بھی اس کی وجہ سے ہم نے نکار دیا؟ دیکھیے، تو بہت آبویس بات ہے کیونکہ پیٹریارکی اور یہ میں عورتوں ہی کی ہسٹری جو ہے، طوائفوں کو چھوڑیے ساری عورتوں کی ہسٹری جو ہے وہ نہیں ڈسکس ہوتی، نہ اس ریسرچ کی گئی ہے، نہ ہم لوگوں کو اتنا معلوم ہے جتنا مردوں کی ہسٹری کے بارے میں معلوم ہے. تو ایک تو پہلی بات وہ، اور پھر عورتوں میں آپ طوائفوں کی بات کیجئے جو آلریڈی ایک طرح سے ڈسکارڈڈ، مارجنلائز عورتیں ہیں، جن کا ایگزسٹنس بھی شریف عورتیں نہیں اکنالج کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی کیا حیثیت، ان کو کون پوچھے گا؟ اور اگر میں اب ایک بات کہوں کہ ہمارے آپ سب کے بھی ذہن میں جو ایک طوائف کا ایک جو روپ ہمارے ذہن میں بسا ہوا ہے، وہ بہت کچھ ہندی سنیما کی دین ہے. آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ طوائف کیسی دکھتی ہے، وہ مینا کماری جیسی دکھتی ہے. طوائف کیسے ناچتی ہے؟ جی، وہ ریکھا جیسے ناچتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی اور ہمارے ذہن میں وہ ایسا رچ بس گیا ہے کہ اس کے علاوہ ہم طوائف کو سوچ نہیں پاتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ہندی سنیما میں ہمیشہ وہ بیچاری عورت جو خریدی گئی، بیچی گئی، جو بہت مشکلوں سے ناچتی گاتی ہے اور پیسے کماتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا ادھار تبھی ہوگا جب اس کی کسی سے شادی ہوگی. یہ جو ایک سوچ ہندی سنیما نے ہم لوگوں کے مانس پٹل پر کہنا چاہیے انکت کر دی ہے کہ ہم اسے چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ وہ طوائف انڈیپینڈنٹ
अपना पैसा कमाने वाली इंडिपेंडेंट अपनी सोच की औरत भी हो सकती थी। तो यतीन जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि हिंदी सिनेमा ने जो हमारे जहन में तवायफ का एक रूप बनाया है वो किस तरह ओवर द ईयर्स एक डेवलप होता गया? ये खतरनाक प्रश्न है और मुझे लगता है इसका जवाब देने में बहुत सारे सिनेमा प्रेमी नाराज़ हो जाएंगे। सिनेमा के साथ दिक्कत ये है कि वो हर चीज़ अपनी सक्सेस को इंगित करती है कि जो भी चीज़ उसमें रखी जाती है, चाहे वो गाना है, नाच है, कोई करेक्टर है, उसका कमर्शियल सक्सेस तय किया जाता है कि वो कैसे दिखाया जाए, कैसे आपके मन में उसके लिए कोई एक खूबसूरती पैदा की जाए। और ये सच बात है कि जो हिंदी फिल्मों में तवायफ़ें हैं वो दरअसल डिज़ाइनर तवायफ़ें हैं, जो हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों की सोच है। मैंने तमाम सारी भाई जी से बात की तो उन्होंने ये महसूस किया कि उन्होंने इतने बुरे दौर से गुजरी, इतने ख़राब समय देखे कि अगर कहीं कोई बहुत अच्छी महफिल कर देती थी किसी नवाब साहब के घर में, किसी ज़मींदार के यहाँ जाके, तो उनको इनाम में कोई एक बनारसी साड़ी अगर मिल जाती थी तो उसको सालों साल रखती थी और उसको ख़ास किसी मौके पे निकालती थी, पहन के महफिल करती थी और चुपचाप अपनी दूसरी साधारण साड़ियों में लौट आती थी। लेकिन आप बम्बई फिल्म के अगर तवायफों को देखें तो मुझे लगता है कि उनके कॉस्ट्यूम्स इतने महंगे होते हैं, इतने खूबसूरत ढंग से सजाए जाते हैं, उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि आप वो गाना जो है वो पैसा वसूल हो, जो टिकट में आपने पैसा लगाया है वो वापस आ जाए, जबकि तवायफ़ें हमेशा अपने आप की महफिलों को उस रंग से सजाती थी कि जब कोई चीज़ आपको समझ में आई या पसंद आई तो महफिल में कोई उठ करके दाद देता था और कोई पैसे देता था और उनको नजराने होते थे और पहले से एक एग्रीमेंट होता था। लेकिन सिनेमा में कुछ चीज़ें अच्छी इस अर्थ में भी हैं कि सिनेमा ने कुछ किया तो दर्ज तो किया, हम लोगों ने उसको दर्ज भी नहीं किया। लेकिन कुछ मैं एक उदाहरण दूंगा, एक फिल्म है नौबहार, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, अशोक कुमार की फिल्म है, उसमें एक बैठक की महफिल दिखाई गई है राजकुमारी जी की आवाज़ में, कजरारी मतवारी मधुभरी दो अखियाँ पिया तोरी दो अखियाँ, ये फिल्मी गाना नहीं है, ये एक दादरा है और दादरा को ठुमरी अंदाज में गाया गया है और वैसे फिल्माया गया है। और जब आप किसी भी तवायफ की ज़िंदगी से गुजरे तो वहाँ आपको दादरा मिलेगी, वहाँ पे आपको कजरी मिलेगी, होरी मिलेगा, ठुमरी मिलेगी, आपको चलताऊ गाने नहीं मिलेंगे। और कोई चलताऊ गाने अगर आपको चाहिए भी तो वो आपके इसरार पे भी नहीं गाती। श्याम बेनेगल साहब की एक फिल्म है मंडी, तो उसमें जब महफिल सजती है लड़के की शादी में तो जो उसका प्रोटैगनिस्ट है उसका फादर बोलता है कि कुछ भड़काओ, कुछ चलताओ दिखाओ भाई जी। तो भाई जी कहती हैं, भाई जी शबाना जी बनी हुई हैं, वो कहती हैं उसके लिए तो आपको बम्बैया फिल्म देखनी पड़ेगी, हम लोग तो कुछ और दिखाने आए हैं आपको। तो ये एक इशारा है कि भाई जी लोग वो करती थी जो बम्बैया फिल्मों में नहीं दिखाया गया। सबसे महान फिल्म मानी जाती है इस तरह के गानों के लिए मुगले आज़म। मुगले आज़म में अकबर का दरबार दिखाया जा रहा है और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए और मधुबाला नाचती हैं। लेकिन जब अकबर थे उस समय ठुमरी प्रचलन में नहीं थी, उस समय कथक प्रचलन में नहीं था, उस समय ध्रुपद गाया जाता था। तो फिल्म निर्माण में ये सहूलियत ली जाती है कि वो कुछ भी अपने पसंद का उस समय विशेष, उस कालखंड विशेष से अलग हटा करके भी आपको दिखा के कन्विंस कर सके। लेकिन जो परंपरा है सिनेमा से निकल कर बाहर आने वाली, तो मुझे लगता है कि दो पैरेलल रास्ते हैं, एक है जो सिनेमा के मुजरे हैं और एक है जो जातीय ज़िंदगी में महफिलों में इन लोगों ने किए हैं और जिसमें बहुत सारे कोलेक्वल लैंग्वेजेस, बहुत सारे देशज कविताओं का मामला रहा है जो दुर्भाग्य से सिनेमा में नदारत है। सिर्फ एक फिल्म में उदाहरण मिलता है, ममता में रोशन साहब का म्यूज़िक है, उसमें गाना है विकल मोरा मनवा तुम बिन हाय, आए ना सजनवा ऋतु बीती जाए विकल मोरा मनवा। तो और जब आप इन लोगों की नोट्स की कॉपी, नोटेशन की कॉपी देखें तो आपको अधिकांश गाने इसी तरह की शब्दावली में मिलेंगे। खुद बेगम अख्तर जब अख्तरी बाई फैज़ाबादी थी तो निहरे निहरे बुहाने ओ सैया निहरे ये गाती थी। तो खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में कोई गीत उनके यहाँ हो नहीं सकता जैसे हमारी फिल्मों में होता है। बावजूद इसके फिल्मों में कुछ बेहद सुंदर उदाहरण हैं, आप पाकिज़ा के गाने देख सकते हैं, आप बेनज़ीर के गाने देख सकते हैं, आप चार दिल चार राहें के गाने देख सकते हैं, जहाँ पे मुजरा आया है लेकिन वो
आधी हकीकत और आधी फसाने का मामला है। पूरी तरह आप उसे ये नहीं कह सकते कि यह तवायफ परंपरा को सीधा सीधा दिखाता है। तो बहुत ही आयरोनिकल बात है अगर मैं कहूँ कि आज ठुमरी जिंदा है, दादरा जिंदा है, गज़ल गायकी जिंदा है, कथक जिंदा है, पर तवायफ का नाम कहीं भी नहीं है जो ये सब चीज़ें करती थी, जिसने ये सब कलाएं जिंदा रखी। और आज उसका नाम लेने के लिए हम लोगों को लड़ाई करके उसके नाम लेने पड़ते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि कहा जाता है क्या बेहुदा बात कर रहे हो, तो ये चीज़ें जो हैं ये अब कहीं ना कहीं हमको अपनी वुमेन परफॉर्मर्स की हिस्ट्री खोल कर ये चीज़ें बाहर निकालनी हैं। अगर मैं सलीम जी से कहूँ कि जैसा यतीन जी ने कहा, तो क्या फिल्में एक सोर्स माना जा सकता है हिस्ट्री ऑफ तवायफ स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं सोर्स? और उनका रेपर्टोर चेंज हुआ, उनकी गायकी वगैरह चेंज हुई क्योंकि सिनेमा आया? इसलिए देखिए, ये इसका जवाब तो दोनों तरह से दिया जा सकता है, हाँ भी और नहीं भी। जैसे अभी यतिंद्र ने कहा कि सबसे पहली बात तो सिनेमा में शुरू से तवायफों और तवायफों को कोठों का जो बहुत इन्वॉल्वमेंट था, जब से एक्चुअल औरतों ने सिनेमा में काम करना शुरू किया तो वो कोठई की औरतें थीं जो शुरू में, जिन्होंने जो फिल्म एक्ट्रेसेस बनी, और जो म्यूजिशंस थे, लिरिसिस्ट थे, ये सब कोठे से कनेक्टेड थे। आप अगर उठा के देखिए, बहुत से हैं जिनके नाम भी नहीं मालूम, अगर जो बड़े बड़े थे उन्होंने नाम भी बदल दिए, नाम भी बदल दिए इसी वजह की वो कोठे से लिंक नहीं होना चाहते थे। यही तवायफों ने किया। तवायफों को अंदाज हो गया था नेशनल मूवमेंट के दौरान और उससे पहले की जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चली थी, कि सारा सोसाइटी का गुस्सा उन्हीं के ऊपर निकलता है, कि जैसे सोसाइटी की जितनी बीमारियां हैं वो सिर्फ इन तवायफों की वजह से हैं, और सारा रिफॉर्म इन्हीं औरतों का करना है और किसी चीज़ का रिफॉर्म नहीं करना है। तो तवायफ हमेशा से, अगर आप सेंचुरी से देख लीजिए, रीइन्वेंट करने में माहिर होती थी। अगर मुसीबत पड़े तो बदल लेती थी अपने को, अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ी में गाना शुरू सीख लेती थी, उससे पहले फारसी में गाती थी। तो इन लोगों का टैलेंट यही था कि इतनी टैलेंटेड और इतनी मेहनती ये औरतें थीं कि ये अपने को रीइन्वेंट करना इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जब इन्होंने देखा कि सारा सोसाइटी का गुस्सा इन्हीं की तरफ डायरेक्टेड है सोशल, तो सिनेमा और से पहले स्टेज इनके लिए परफेक्ट एवेन्यू था कि कोठे बंद करें तो कहाँ जाएं, पारसी थिएटर में और फिर सिनेमा में। अब सिनेमा में जाके भी यही मुसीबत थी कि अपने को ये डिक्लेयर नहीं कर सकती हैं कि हम कहाँ से आए हैं, तो सब ने अपने नाम बदले। यहाँ तक कि अब आप देख लीजिए, जद्दन भाई का एग्जांपल दिया जाता है कि फिल्म प्रोड्यूसर तक बन गई, इतनी क्वालिफाइड, इतनी ऐसी औरतें थी एम्बिशियस कि ये लोग सब कुछ कर सकती थी। मगर सिनेमा में जो तवायफों का डिस्क्रिप्शन है वो क्यों नहीं ऑथेंटिक है जब ये सब लोग वहाँ थी? वो इसलिए क्योंकि ये लोग वो दिखाना नहीं चाहती थी, जो वो पर्दा डालना चाहती थी जिसके ऊपर पूरी सोसाइटी, जिसकी वजह से उनके ऊपर उंगलियां उठा रही है। तो इन लोगों के लिए भी बहुत कन्वीनियंट था कि एक फेक किस्म का एटमोसफियर करो, एक फेक किस्म की तवायफ क्रिएट करो जिसमें जैसे कहते हैं आधा हकीकत आधा फसाना वाली बात होती है। मगर सिनेमा में कोडेड लैंग्वेज अगर देखिए, आप कोडेड लैंग्वेज देखिए तो बहुत एस्पेक्ट्स तवायफों की हिस्ट्री के मिल जाते हैं। कि जैसे फॉर इंस्टेंस औरतों की कव्वाली, जो सिनेमा में पहली दफ़ा, अभी शकीला बानो भोपाली को तो देखा था, वो एक अकेली को देखा था, मगर एक ज़माना था जब औरतों की कव्वाली बहुत दिखाई जाती थी सिनेमा में। और वो सब अब पढ़िए हिस्ट्री तो पता चलता है कि तवायफों ही ने कव्वाली गाना शुरू की थी, जब एक तरीके का जब उनको अपना ऑडियंस बढ़ाना था। तो सिनेमा में आपको अगर आप गौर से देखिए तो आपको बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मगर कोड ब्रेक करना पड़ेगा कि किस तरह से बात कही जा रही है वहाँ, खुल के बात नहीं कही जाती है। इसमें अगर मैं आपसे शेयर करूँ, मैं पिछले 9 साल से कोर्टेसान प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जिसमें कि
तवायफों के कंपोजिशंस और नृत्य को आज के रूप में दिखाती हूँ. उसमें अगर जो आप बात कह रहे हैं कि पुरानी फिल्मों में जो एक्ट्रेस के पीछे डांस करती थी, मैंने देखिए तवायफों के नृत्य का कोई वीडियो नहीं है, कोई हमारे पास वीडियोस नहीं है कि तवायफें कैसे नाचती थी. डेफिनेटली जैसे इस समय बॉलीवुड में नाचती हैं वो नहीं नाचती थी. तो अब ये तो पता है कि वो क्या नहीं करती थी, पर ये पता करना कि वो क्या करती थी उसको ढूंढने के लिए वो जो मुगले आजम में पीछे डांसर्स डांस कर रही हैं, जो सुरैया के पीछे डांसर्स डांस कर रही हैं, क्योंकि ये सारी उस समय की तवायफें थी. और तो किसी घर की लड़की आती नहीं थी फिल्म में नाचने और गाने, तो वो तवायफें पीछे नाचती थी. तो ये पता करने को कि तवायफें कैसे नृत्य करती थी, अगर कथक भी करती थी तो किस तरह के स्टेप्स करती थी, तो मुझे वो पीछे की डांसर स्टडी करनी पड़ी जूम करके कि वो किस तरह के मूवमेंट्स ले रही हैं, क्योंकि वो तो उनकी नेचुरल ट्रेनिंग थी, उन्हें कोई कोरियोग्राफर थोड़ी सिखा रहा था, वो तो अपनी नेचुरल ट्रेनिंग से कर रही थी. उनके पास सरोज खान नहीं थी धक धक सिखाने को, तो वो एक नेचुरल उनका उस समय की कला थी जो वो फिल्मों में कर रही थी. तो वो एक तरह से पुरानी फिल्में एक रिसोर्स बनती हैं हमारे लिए. अब मैं, क्योंकि हम लोग आज रेखता फेस्टिवल में बैठे हैं, तो मैं आपसे दोनों से सवाल पूछूंगी, पर यतीन जी से शुरू करूंगी. एक हमेशा मैंने ये चीज़ सुनी कि बेगम अख्तर ने कितनों को शायर बना दिया. अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि बेगम अख्तर ने कितनों को शायर बना दिया, इसको हम किस तरह से देखेंगे? थोड़ा तो रोमांटिसाइज करके देखें और थोड़ा इस लिहाज से देखें कि जब कैफ़ी आज़मी साहब ने गज़लें पढ़ना छोड़ दिया था तो बाद में जब दोबारा लिखा तो ये उन्होंने ये बयान दिया कि मैं बेगम अख्तर यानी गज़ल के करीब होना चाहता हूँ इसलिए गज़लें कह रहा हूँ, और बाद में उन्होंने बहुत सारी गज़लें उनकी गाईं. ये सही है कि बेगम साहिबा मत कम से कम तीन नाम, बेहजाद लखनवी, अली अहमद जलीली और सुदर्शन फ़ाखिर, इनको आप कह सकते हैं कि जिनको गा करके बेगम साहिबा ने बहुत मकबूल बनाया, अमर किया, क्योंकि अब छलकते हुए सागर नहीं देखे जाते, तौबा के बाद ये मंज़र नहीं देखे जाते, ये इसके पहले कहाँ था और उसके बाद भी आपको जलीली कहाँ मिलते हैं, या जब आप सुदर्शन फ़ाकिर को देखते हैं तो वो चीज़ की कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया, सबको पता है सभी मशहूर गज़लों की ये बात है. लेकिन अगर हम कॉर्टिजांस के बारे में बात करें और बेगम अख्तर को उसका एक रूपक माने, तो ये भी बताना चाहिए कि सिर्फ गज़लें ही नहीं गाई जाती थी, तवायफों ने दूसरी भाषाओं की बहुत चीज़ें गाईं, और किसी भी महफिल में जाती थी तो आधी रात के बाद गज़लें होती थी. ज़्यादातर क्या है कि मुंडन हो रहा है, किसी के घर में बच्चा है, वो हो रहा है, शादी का है, बनना बननी कुछ है, जन्मदिन का मौका है, ताजपोशी हो रही है राजा के यहाँ, नवाब के यहाँ, सेहरा बंधन है, तो उन सब अवसरों के गाने गाए जाते थे. ख़ास करके अवध में जो प्रचलन में था उसमें हमेशा अवधि हावी रही, उसमें हमेशा हिंदुस्तानी ज़ुबान में कम तमाम चीज़ें गाई गईं. और अगर आप नौशाद साहब की रेपर्टरी को चेक करें, जो नौशाद साहब के बने गाने हैं, तो अधिकांश गाने ये महफिली गज़ल और ये तवायफों की महफिलों से उठ के गए, क्योंकि उन्होंने लखनऊ से उठाए. कुछ चीज़ें मदन मोहन जी लेके गए क्योंकि उनके दोस्त थे बेगम अख्तर के. तो जो पूरा मामला है वो ये है कि दूसरी भाषाओं में भी बनता है. और एक गज़ल है जो अवध में गाई जाती है, उसके दो चार लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ आपको. आप ये देखिए कि ये इस गज़लकार का नाम अज्ञात है, लेकिन हर दूसरी महफिल करने वाली और ख़ास करके रश्के मुनीर और बद्रे मुनीर, जिनकी बात अमृतलाल नागर भी करते हैं, इन लोगों ने भी गाया है. सिद कहे जोशे जुनू हम क्या थे और क्या हो गए, गुंजए हसरत हमारी खाक सहरा बन गए, पर्दे महमिल से निकले खाक उठाने के लिए. महमिल वो है कि ऊँट के ऊपर जो पर्दा लगा रहता है, आप रेगिस्तान में जाएँ, पर्दे महमिल से निकले खाक उठाने के लिए, पहले लैला थे पर मजनू सरापा बन गए. एक लंबी गज़ल है. तो अब ये सब गाती थी और खड़ी महफिलों में गाती थी. उस समय एक मशहूर रवायत थी मनरजना गाने खड़ी की. महफिल बता दीजिए जरा. खड़ी महफिल ये है कि बाई जी हैं वो खड़े होकर के नाच रही हैं, पूरी महफिल में चक्कर लगा रही हैं, तबले वाले, सारंगी वाले, सबके कमर में सबके वो वाद्य लटके हुए हैं, बज रहे हैं, और वो घूम घूम के नाच रहे हैं, गा रहे हैं,
और साजिंदे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये जब बिना गाने के होता था, नाच नहीं होता था, सिर्फ म्यूज़िक होता था, तो उसे रोशन चौकी कहा जाता था कि वो बादशाह को खुश करने के लिए या एक तरह का इंस्ट्रूमेंटल ऑर्केस्ट्रा है जो मूविंग है, तो वो खड़ी महफिल है। बैठ की महफिल ये है कि बैठ करके आपको भाव बना रही हैं, गज़ल गा रही हैं, दादरा सुना रही हैं, और उसके उसके शब्दों को, अर्थ को वो विस्तार देने के लिए उस पर कुछ बोल बन रहे हैं। इसीलिए कथक में अर्थ भाव की ठुमरी आई कि वो इम्प्रोवाइजेशन है उन कविताओं का और उन सारी गीतों का। जलसागर फिल्म अगर आपने देखी हो सत्यजीत रे की, उसमें बेगम अख्तर खुद बैठी हैं और वो बैठ की महफिल कर रही हैं और उसमें गाना गा रही हैं, दादरा गा रही हैं, हे भर भर आई अखियाँ मोरी पिया बिन, भर भर आई छतियाँ मोरी पिया बिन। तो और उसमें ये दिखाया गया जो बहुत ही खूबसूरत है कि पुरुष समाज बैठा हुआ है, वो जो एक पितृसत्तात्मक समाज है वो देख रहा है, और पीछे चिक लगा है, पर्दा लगा है, उसके पीछे उन सारे शरीफ लोगों की महिलाएं भी बैठ के सुन रही, क्योंकि उनको भी उन महफिलों में आने की छूट थी। तो ये बैठ की महफिल और खड़ी महफिल के बीच में से गुजरते हुए इन लोगों ने तमाम सारी चीज़ें गाई हैं। अवध में तो अगर मुंडन है तो वहाँ पर दूसरे तरीके का गाना होता था, अगर ब्याह है, सहाना है, तो अलग चीज़ें होती थी। होली का दरबार लगा है तो सादरा गाया जाता था, वो क्या है, झपताल में बंधा हुआ होली की बंदिश है, आप उसको सुनिए। तो वो जितनी भी चीज़ें आपको जो बड़ी सी बड़े शायरों की हैं, बहुत सारे कलाम हैं, पद मिलेंगे, अमीर खुसरो की पदावलियाँ हैं। और ये बात भी सच है, ये चीज़ रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन हर दौर में महफिलों में बहुत फरमाइश पे आधी रात के बाद जब सब चंद लोग बजते थे तो उस दौर के फिल्मी गाने भी गाती थी, लेकिन तब ये तय कर लिया जाता था कि इसमें बाहरी कोई ऐसा नहीं है जो बाहर जाके खबर कर दे कि फलानी भाई तो इस समय मशहूर हुआ, नूरजहाँ का या शमशाद बेगम का गाना भी सुना रही, क्योंकि वो महफिल की डिमांड थी कि आप वो जैसे आजकल ऑर्केस्ट्रा होता है, आजकल डीजे होता है, आप सारे रेव पार्टी में जाते हैं और जो सबसे सॉलेबल नंबर होता है, जो सबसे हॉट नंबर होता है, उस पर आप डांस करते हैं, तो उस ज़माने में वो भी मजबूर थी और उस तरह की चीज़ों को गाने की रवायत थी। पर अगर इसमें मैं एक चीज़ कहूँ कि आपने कथक का जिक्र करा, तो मैंने 20 साल कथक सीखा और उसके कहना चाहिए लिटरेचर पढ़ा, पर हमें मर्दों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती हैं जितने उस्ताद हैं, मुझे आज तक किसी एक भी तवायफ की जीवनी नहीं पढ़ाई गई कि ये कथक डांसर थी। और ये हद है हमारे यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन की कि आज तक ये एग्जिस्ट करता है, कब बदलेगा और कब हम तवायफों की जीवनियाँ एज कथक स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, वो दिन मुझे आई होप मेरी लाइफ टाइम में आए। सलीम साहब ने जो मलका पुखराज की ऑटोबायोग्राफी का ट्रांसलेशन किया है उसमें बाकायदा वो कहती हैं कि उनको सुबह जगा दिया जाता था कम उम्र में, क्योंकि ख्याल और ठुमरी सिखाई नहीं जाएगी जब तक कथक के सारे गत सीख नहीं लेती हूँ। तो मैं बल्कि मलका पुखराज पर ही आ रही थी, अब मैं सलीम साहब आपके पास। मलका पुखराज एक ऐसा नाम है जो एक आइकॉन है, आप सबके जहन में सबको एक तरह से आइकॉन की तरह बसा हुआ है। उसमें अब वो राजा हरि सिंह के दरबार में थी, वहाँ पर वो दरबार में अपॉइंट हुई थी, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वो दरबारी गायिका थी, उस लिहाज से अगर उसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन करें तो वो कोर्टेज़ान थी। हाँ, और ये होते हुए अगर मैं कहूँ जैसे आज के दौर में हैं कि जितने भी शायर हैं, आप उन्हीं शायरों को ज़्यादातर जानते हैं जिनको बॉलीवुड गाता है, तो आपके ज़बान पर गुलजार साहब, जावेद अख्तर, प्रसून जोशी, इस तरह के नाम ज़्यादा रहते हैं आम लोगों पर, बाकायदा उसके के और जो शायर हैं, वैसे ही उस दौर में था, तवायफ़ें जिसको गाती थी उसकी उस शायर को लोग जानते थे। उसका ज़िक्र आपने मुझे एक अपनी बात में कहा था कि बेगम अख्तर के पास रोज़ के रोज़ शायरों की इतने कलाम आते थे कि वो बेगम साहब उसको गा दें। तो मैं दो चीज़ें आपके पास आ रही हूँ, एक तो मुझे वो किस्सा आप बताइएगा बेगम साहब का कि जो उनके पास कलाम आते थे, और फिर मलका पुखराज की मुझे आप बात बताइएगा कि किस तरह हफीज़ जलंधरी को अगर आज भी हम याद रखते हैं तो वो मलका पुखराज ने जो गाया अभी तो मैं जवान हूँ, वो आज तक सबके जहन में बसा हुआ है, जो कि एक तवायफ थी। जी,
ایکچولی کئی سوال آپ نے پوچھ لیے ایک ساتھ تو ایک ایک کر کے اگر یاد رہے تو جواب دیتے ہیں. ایک تو شاعروں کا اور بیگم اختر کا, جیسے یتندر نے بتایا کہ کچھ شاعر تو صرف ان کا نام ہم بیگم اختر کی وجہ سے جانتے ہیں, انہوں نے طے کر لیا کسی وجہ سے کہ ان کو وہ گانا ہے, ان کو ریکارڈ کرنا ہے, اور وہ آج تک وہ بج رہے ہیں اور غزلیں ہو رہی ہیں. اور یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی کہ اتنی معمولی غزلیں یہ کیوں بیگم اختر نے سلیکٹ کی. اس کے کئی وجہ ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ ان کو پرسنلی وہ شاعر سے دوستی ہو یا پسند ہوں, یا کوئی ویسے بالکل کوئی ہم اور کچھ نہیں امپلائی کر رہے ہیں, صرف یہ کہ ان کو ایک فیور کرنا چاہتی تھیں کچھ شاعروں کو, کچھ اس وجہ گاتی تھیں, کہتی تھیں کہ عام فہم ہے, لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گی, اگر میں صرف غالب اور میر گاؤں تو لوگ سننا چھوڑ دیں گے ہم کو. تو کچھ تو کوٹ ان کوٹ معمولی غزلیں بھی گانا پڑتی تھیں اور گاتی تھیں چوز کر کے, اور شاعر خود چاہتے تھے کہ ان کی غزلیں بیگم اختر گائیں, کیونکہ نہ صرف یہ کہ ان کا نام بڑھے گا مگر اگر ریکارڈ کر لیں تو پھر ان کی رائلٹیز جو آئیں گی کسی مشاعرے میں اتنا پیسہ نہیں ملے گا جتنی ان کو اس ان کی ریکارڈنگ کی رائلٹی سے مل جائے گا. اب ایک کلاسک ایگزامپل ہے, بہت سے ایگزامپلس ہیں مگر جو انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے کہ وہ بتاتی تھیں کہ بمبئی سے واپس آ رہی تھیں, ٹرین میں بیٹھ چکی تھیں, ایک دم سے دیکھا کہ شکیل بدایونی دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اور ان کو انہوں نے کھڑکی کے تھرو غزل دی کہ بیگم صاحبہ یہ ذرا سے پڑھ لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, اور وہ غزل تھی اے محبت تیرے انجام پہ رونا ہے. تو ایسے مائنر سے انسٹنسز سے کلاسکس بن جاتی ہیں کہ کس نے سوچا تھا کہ اب آپ پریزیوم ہم یہ کرتے ہیں کہ دیوان ہوگا, اس میں بہت اچھی غزل ہوگی, انہوں نے دیکھی ہوگی کہ اب یہ گائیں. یہ جو ابھی یتن بات کر رہے تھے کہ فلمی گانے گاتے تھے گاتی تھیں, یہ ہم کو لگتا ہے بہت ہی پرائیویٹ آف دا ریکارڈ کرتی ہوں گی. جیسے آپ پتہ نہیں آپ کو یاد معلوم ہے, بتایا آپ کو لتا جی نے کہ بیگم اختر کو وہ گانا بہت پسند تھا, مار دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے. اب مجھے لتا جی نے بتایا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جن کی اتنی نفیس پسند تھی بیگم اختر کی, انہوں نے کہا تم نے اس گانے میں کمال کر دیا ہے, تو لتا جی خوش ہوئیں کہ کوئی اچھا سا گانا میرا گایا ہوا ہوگا, تو بولی مار دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے, بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تو ایک دم سے گھبرا گئیں کہ یہ گانا, بولی ہاں یہ گانا کیا گجب گایا ہے تم نے. ہاں تو یہ پرائیویٹ مومنٹس میں یہ بات ہو جاتی تھی, مگر ہم کو ایک دوسرے کی گائی ہوئی چیزیں یہ لوگ کم گاتی تھیں کہ کسی نے اور بڑی طوائف نے اور یا پیئر طوائف نے کوئی غزل گا دی, یا تو یا ٹھمڑی دادرا بھی, ٹھمڑی دادرے تو کچھ تو تھے سب گاتی تھیں, مگر غزلیں خاص کر کی نہیں گاتی تھیں دوبارہ کسی اور کی غزل اگر کسی نے کر دی تھی. ایک دفعہ کسی نے پرائیویٹ محفل میں ان سے زور سے کہہ دیا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, ابھی تو میں جوان ہوں, تو ذرا سا ان کو ان کی تیوری چڑھی کہ یہ کیسا نامعقول ہے, کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے, یہ کسی اور کی چیز ہے, ہم سے کیوں گانے کو کہہ رہا ہے. اچھا دوسری بات آپ کورٹزن اور ملکہ پکھراج کی, دیکھیے وہ کہتی تھیں 11 سال کی تھیں, ہو سکتا ہے 13-14 سال کی ہوں گی جب ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا دربار میں, اور وہاں روز جاتی تھیں, صبح مندر میں جا کے بھجن گاتی تھیں, شام کو دربار میں گاتی تھیں, جیسا ڈپینڈ کرتا تھا موڈ کا ہری سنگھ کا. تو کورٹ سنگر تو آٹومیٹکلی تھیں, مگر اگر کورٹ سنگر نہیں بھی تھیں, بہت سی طوائفیں تھیں جن جو اپوائنٹڈ نہیں تھیں کورٹ میں مگر کورٹس میں جا کے گاتی تھیں, اس لیے کورٹزانز ہو جاتی تھیں امیجیٹلی. ملکہ نے پکھراج نے جب چھوڑا جموں اور کشمیر اور جا کے اپنا کوٹھا کھولا لاہور میں, تب بھی بہت ہر ریاست سے ان کے پاس وہ آتے تھے کہ آؤ گانے, خاص کر اس وجہ کی کیونکہ ہری سنگھ کی یہاں رہ چکی تھیں, اس وجہ
हर दूसरा राजा चाहता था कि उनके यहाँ भी गाएं, तो वो तो कॉर्टिजान रही, दरबार छोड़ भी दिया हो तब भी वो कॉर्टिजान तो रही। और उसमें भी यही है कि एक दफ़ा आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, जैसे मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, तो कोई किसी को मालूम नहीं होता वो चीज़ कहाँ जाएगी। वैसी शायद उसके साथ हुआ, अभी तो मैं जवान हूँ, क्योंकि ऐसी तो कोई अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हंसते हैं उस पर, मगर क्या किया जाए, लोगों की पसंद थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्योंकि वो तवायफ थी, कोर्ट में अपॉइंटेड थी जैसे कि कहा जाए, पर फिर क्या है कि आज अगर उनके बारे में जिक्र करें तो हम तवायफ वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये लफ्ज़ इतना बदनाम हो गया है, इसकी इतना मिसयूज़ हुआ है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सारी तवायफें बहुत पाक परहेजगार औरतें थीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो एक लफ्ज़ को आप इतना बदनाम कर दें कि लोग अपने को, अगर खुद तवायफ हो अपने को तवायफ ना कहना चाहे। मलका पुखराज अपनी किताब में अपने को गाने वाली कहती हैं, बाकी सब तवायफों को गाने वाली कहती हैं, क्योंकि एक ये सिचुएशन आ गया था कि अब आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया रेडियो में 1947 के बाद कोई तवायफ गा नहीं सकती थी अगर उसकी शादी ना हुई हो। ये एक बहुत अजब सा एक रवायत थी। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि सिंगल औरतों को रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिनके नाम के आगे बाई लगा, या कि जिनके नाम पे आगे बाई लगा हो। तो बाई हटाने का एक तरीका ये था कि आप मिसेज या खातून या बेगम या बानो हो जाइए, मगर ये कि आपको ज़बरदस्ती लोगों ने को शादी करनी पड़ी। और उसके बावजूद जब रेडियो स्टेशन पे जाती थी गाने, तो उनके लिए एंट्रेंस अलग होता था कि ये बाकी अपने हिसाब से जो शरीफ औरतें हैं उनसे इन लोगों का कहीं मुठभेड़ ना हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में जब इतना डिमीन किया जा रहा है तो कोई भी गाने वाली को, तो वो क्यों अपने पर मुसीबत लाएगी कह के कि मैं तवायफ हूँ। तो अगर जो बातचीत चल रही है, और अगर आप इससे, मेरे ख्याल में आप भी उससे वाबस्ता होंगे और कहेंगे कि बात सही है, कि कहीं ना कहीं हम सब ने, और आज आपने भी कभी कोई तवायफ नहीं देखी, आपने सिर्फ उसका फिल्मी वर्जन देखा, पर आपके जहन में भी तवायफ एक अब्यूज़ है। आप उसको कभी इज्जत का नाम देकर नहीं बोलेंगे। कोई अगर किसी को कुछ बुरा बोलना चाहता है तो कहेगा वो तवायफ जैसी है। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द है इसका एक अलग कॉनोटेशन बन चुका है ओवर द ईयर्स, जिसको कि कहीं ना कहीं बदलना है आपने और हमने ही बदलना है। वो क्लासिकल सिंगर्स थे, वो अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या करते थे उससे हमें क्या मतलब। वो ठुमरी अच्छी गाती थी, दादरा अच्छी गाती थी, ख्याल अच्छा गाती थी, कथक अच्छा करती थी, ताल पर आती थी, बेताला थी, बेसुरी थी, सुर में थी, ये चीज़ें हमारे लिए मायने रखने चाहिए। उनकी आँखें कैसी थी और वो चलती कैसे थी, ये मायने नहीं रखना चाहिए। जब हम इतनी बड़ी जेंडर लड़ाई लड़ रहे हैं आज, और आप लोग सब इसमें साथ हैं, तो अपनी हिस्ट्री को भी थोड़ा सा एक अलग नज़र से देख लें। वो यही एक कोशिश है इस टॉक की आप लोगों से। एक और शब्द को आज मैं सलीम जी और यतीन जी के ज़रिए आपको कहना चाहूँगी, कोठा। कोठा फिर एक ऐसा शब्द है जिसको आज एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म में यूज़ किया जाता है, तवायफ का कोठा। और ये फिर वही बात है कि ये हिंदी सिनेमा ने आपके जहन में बिठा दिया है कि वहाँ पर वो हीरो नशे में पड़ा होगा तवायफ के कोठे पर, वहाँ कुछ नाच गाना हो रहा होगा, और वो बेचारी बीवी जो है वो घर पे बैठी होगी, अरे तो किसने कहा कि तुम गाना सुनने वहाँ पर कोठे पर आओ, तुम अपनी चॉइस से आए ना। आज आप टिकट खरीद के फिल्म देखने जाते हैं PVR सिनेमा में, और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो आप 1000 रुपये का लाउंजिंग टिकट भी लेकर फिल्म देखते हैं, वो आपका एंटरटेनमेंट है। उस दौर में फिल्में नहीं थीं, और बल्कि कुछ दौर से पहले तो रिकॉर्डिंग्स भी नहीं थीं। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था, आपको गाना सुनना है या नृत्य देखना है, तो आपके सामने जीता जागता इंसान नृत्य करेगा या गाएगा। तो वो तवायफें थीं, और कोठा शब्द यूज़ किया जाता था। सलीम जी, मैं आपसे कहूँगी कोठे का हमको एक लोगों को बताएं। देखिए, जो ऑब्वियस कोठे का वो है वो तो आपने डिस्क्राइब कर दिया। जो कोठा
تھا اور جس کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ اس پہ کچھ کہ یہ ازیوم کرنا کہ یہ ایک طرح کا آٹومیٹکلی یہ براتھل ہے کہ لوگ جائیں گے کوٹھے پہ سیکس کرنے گانا سنیں گے پھر سیکس ہوگا یا ایک سیکس کا اڈا ہے یہ ڈیمین کرتا ہے جو پورا رول تھا طوائف کا کہ طوائف ٹھیک ہے کچھ سیکس ورک بھی کرتی ہیں مگر سیکس ورک کو بھی ہم لوگ بہت کویشچنیبل ہے کہ یہ آج اس سوسائٹی میں جہاں عورتوں کو اپنے من سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں ہم لوگ کچھ عورتوں کو کا سیکس ورک کرنے کا کیوں ہم لوگ اتنا برا سمجھتے ہیں مگر وہ چھوڑیے اس بات پہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں طوائفیں نہ صرف ٹیلنٹڈ تھیں گانے میں بجانے میں نرت کرنے میں بلکہ بہت پڑھی لکھی ہوتی تھی اگر آپ ملکہ پخراج کی بایوگرافی دیکھیے تو بچپنے سے انہوں نے کیا کیا پڑھ رکھا تھا ان کو فارسی ان کی والدہ نے فارسی پڑھنے بیٹھایا تھا پیسے نہیں تھے تو ایک استاد تھے جن کی دکان تھی اس پہ وہ جا کے کام کرتی تھیں اور وہاں بیٹھ کے وہ اردو اور فارسی سیکھتی تھیں تو جو ایجوکیشن کا ایلیمنٹ ہے ان عورتوں کا وہ کبھی ایکنالج نہیں کیا جاتا کہ کتنی پڑھی لکھی تھیں کیا کیا ان کے پاس وہ تھی کہ کس طرح سے جج کر سکیں کیا چیز گانے والی ہے کیا لٹریچر ہے کیا کتنی زبانیں بولتی تھیں اب فار انسٹنس اگر ہم وہی ملکہ پخراج کی بایوگرافی سے آپ کو دو اگزامپل دینا چاہتے ہیں کہ لوگ آتے تھے صرف کمپنی کے لیے کبھی کبھی یہ نہیں ہے کہ جب آئے تو انہوں نے فوراً ہارمونیم نکالا یا تانپورا اٹھایا اور گانا شروع کر دیا یا کم دروازہ بند کر کے سیکس ہونا شروع ہو گیا ذکر کرتی ہیں کہ ایک آتے تھے جو ان کو کافی مہنگے گفٹس بھی دیتے تھے جو صرف آ کے ان کو شیکسپیئر سناتے تھے ان کو شیکسپیئر رٹا ہوا تھا اور وہ آ کے ریسائٹ کرتے تھے اور بیگم ان کو ملکہ پخراج کو سننا پڑتا تھا اور لکھتی ہیں کہ ہم کو یاد ہو گیا تھا ہم بور ہوتے تھے نیند آ جاتی تھی مگر سننا پڑتا تھا کیونکہ وہ پیسے دے رہے تھے وہ آتے تھے ہمارے مہمان تھے ایک تھے جو آتے تھے صرف اپنے گیسٹرک پرابلمس کے ڈسکس کرنے کے تو اب یہ رول کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی کمپینین شپ نہیں الاؤڈ ہے جہاں زنانہ اور مردانہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو انہی ایک کچھ عورتیں تھیں انٹیلیجنٹ جن کے ساتھ بیٹھ کے مرد باتیں کر سکے جن کی کمپنی میں رہ سکے اور وہ رول جو طوائف کا تھا وہ ہمیشہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے آپ کی بات سے ایک چھوٹے سا میں آپ کو ذکر کروں گی کہ حیدرآباد میں مجھے ایک نواب صاحب نے بتایا کہ ان کے گرینڈ فادر وہاں پر کہتے ہیں بالا خانہ ایک بالا خانہ میں روز جاتے تھے تو سب اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ بھائی یہ روز جاتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ صرف بات کرنے جاتے تھے کہ وہ پولیٹیکل بات کرتے تھے تو وہ ٹرن اراؤنڈ کر کے ان کو پولیٹیکل بات بتاتی تھی گوسپ بتاتی تھی پورے حیدرآباد کی اور کبھی وہ شاعری کوئی کرتے تھے تو وہ پلٹ کے دوسری شاعری بتاتی تھی ان کو تو کہیں نہ کہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا جو سلیم جی نے بات کہی کہ آج ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں مرد عورت ایک ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ بات چیت اس وقت پاسبل نہیں تھی سو دا اونلی وومن کمپنی پاسبل واز ٹو گو اینڈ اسپیک ان اے کوٹھا ود اے طوائف سو دے ور کنورسیشنز وہاں بات چیت ہوتی تھی ڈسکشنز ہوتے تھے شاعری پر ہوتے تھے لٹریچر پر ہوتے تھے چیزیں پولیٹکس پر ہوتے تھے سکھانے کا معاملہ ہے کپڑے پہننے کا سلیقہ ہے کیسا کپڑا پہنا جائے میری گرینڈ مدر کو سکھاتی تھیں بیگم صاحبہ اور ہمارے یہاں کورٹ سنگر تھیں تو ہمارا ایک پکچر ہال ہوتا تھا تو فلمیں دیکھتی تھیں تو میری گرینڈ مدر سے کہا کہ تم فیشنیبل کپڑے پہنا کرو تو فیشنیبل کپڑے کیا ہیں جو اس زمانے میں نرگس اور مینا کماری اپنی فلموں میں پہنتے تھے تو کوہینور فلم میں مینا کماری نے ایک ڈیزائنر بلاؤز پہنا اور بیگم صاحبہ کا حکم ہوا کہ یہ اس طرح کی راجکماری کے لیے بلاؤز اور لہنگا بنے گا تو سارے درجی لوگوں کو بھیجا گیا سنیما کا ٹکٹ دے کے کہ جاؤ ڈیزائن ڈرا کرو اب وہ فلم میں گانے میں مینا کماری ناچ واچ کے نکل جائیں اور وہ ڈیزائن ڈرا نہیں ہو پایا تو آ کر کے انہوں نے آ کر کے دربار میں کہا کہ حضور وہ ڈیزائن نہیں کر پائے ہیں جو بیگم صاحبہ نے کہا ہے تو سنیما ہال اپنا تھا اس زمانہ دوسرا تھا مینیجر سے کہا گیا کہ ریل کاٹ لو جتنی دور میں وہ ڈیزائن آتا ہے تو انڈین موشن پکچر نے مقدمہ کیا ہماری فیملی پہ کہ آپ نے فلم کی ریل چرائی ہے کیوں کیونکہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ پف والا بلاؤز جو ہے وہ بنے گا اور وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوگا یہ بھی سکھاتی تھی
पर इसी बात पर मैं आज कहूँगी कि आप किसी भी हिंदुस्तान की शादी में जाइए, आपको सब वो साइड में छपका लगाए हुए, आपको सब चौड़ा पजामा पहने हुए, अनारकली पहने हुए, आपको हर लड़की नज़र आएगी। पर क्या वो ये जानती है कि ज़्यादातर तवायफ़ें पहनती थी इस तरह के पहनावे, और आप आज वो बहुत शौक से फैशन की तरह पहन रहे हैं, पर आप उस औरत को एक्नॉलेज नहीं कर रही हैं जिसकी सोच फैशनेबल थी। मैं आज हिम्मत कर रही हूँ एक बात कहने की मेरे साथ, क्योंकि दो ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मैं अपना सपोर्ट मान सकती हूँ, कि जब हमने कोठा शब्द आपके लिए एक तरह से उसकी डेफिनेशन करी, तो उस मायने में आज जब हम यहाँ बैठे हैं ना, ये कोठा है, क्योंकि यहाँ पर आप संगीत सुन रहे हैं, यहाँ पर आप नृत्य देख रहे हैं, यहाँ पर आप साहित्य पर बातचीत कर रहे हैं, यहाँ आप डिस्कशन कर रहे हैं, और यही चीज़ें होती थी। अपने दिमाग से अननेसेसरी कॉनोटेशंस हटा देने चाहिए और एक्चुअल्स जो हमारे पास प्रूफ हैं उस पर बात करनी चाहिए। ड्राइंग रूम डिस्कशंस बहुत हो चुके हैं, इस तरह के डिस्कशंस होने चाहिए जहाँ पर हम उसकी बात की बात निकाल के देखें कि क्या क्या चीज़ें थी उनके पास। अब मैं वापस आती हूँ एक यतीन जी से एक बात कहने के लिए, कि जब हम एक एक्यूजेशन करा जाता है, एक इल्ज़ाम लगाया जाता है तवायफ़ों पर कि उन्होंने ज़्यादातर बहुत इश्क मोहब्बत और इस तरह के कॉम्पोजिशंस और कलाम गाए, पर क्यों गाए उन्होंने? आपने कभी ये सोचा? हिंदी साहित्य का वो काल जो था वो रीति काल था। रीति काल में अगर आप उसको हिंदी साहित्य को स्टडी करें तो सारी शायरी पोइट्री कविताएं मोहब्बत पर लिखी गई। उसके बारे में कुछ बताएं। इसमें थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है कि उस समय चलन कैसा था और किस तरह से ये लोग बंदिशें चुनती थी। जैसे दो एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक भारतेंदु हरिश्चंद का एक पद है, कहनवा मानो ओ राधा रानी। तो गिरजा देवी जी ने जब इसको गाने के लिए शुरू किया तो नहीं, कहनवा मानो ओ दिलजानी, तो गिरजा देवी ने कहा कि दिलजानी ठीक नहीं है और इसमें कुछ कॉनोटेशंस बदलते हैं, तो उसको उन्होंने बदल दिया, दादरा बना दिया, कहनवा मानो ओ राधा रानी। उन्होंने राधा रानी और कृष्ण का प्रेम कर दिया। लेकिन वहीं जब ठुमरी गाई गई, ठाड़े रही हो बाके शाम हो, तो उसको बिल्कुल दूसरे रंगत दे दी गई, ठाड़े रही हो बाके यार। और जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर इश्क और मुश्क की बात की गई इस तरह की उसमें, लेकिन फिर वही था कि कौन क्या गा रहा है और कौन किस रवायत में अपनी परंपरा को, अपनी बंदिशों को चुन रहा है। सलीम साहब ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि उस समय गज़ल पे एक अधिकार होता था। गज़ल मीन्स कि टैग हो गई, अगर किसी ने गज़ल गा दी तो फिर वो दूसरा नहीं गाता था क्योंकि ये फला की गज़ल है। लेकिन अगर कोई ठुमरी है या कोई बंदिश है या कोई परंपरा में चला आया पद है, वो कोई भी किसी घराने का गा सकता था, वो खुली छूट थी। एक निर्गुण गाया जाता है, ये सुंदर सारी मोरी नैहर में मैल भई, का लेके जइबो गवनवा हाय राम, हे गंगा मैया तुहे पीरी चढ़ेबो, सजिया से कर दो मिलनवा हाय राम। ये जो निर्गुण है ये हर घराने में बंदिश के तौर पर गाया गया, हर गाने वाली बाई जी ने गाया, और ज़्यादातर दशहरे और होली के दरबारों में इससे समापन होता था या इससे इसका आगाज़ होता था। तो सिर्फ वो प्रेम का गाना था ऐसा नहीं था। जब जन्माष्टमी आती थी तो कृष्ण के पद को गाने के लिए बाकायदा तवायफें बुलाई जाती थी, और उसके लिए जो एक टर्म प्रचलित है वो कहलाता था जगमोहना। जगमोहन कहते हैं एक मंदिर का विशाल प्रांगण जहाँ देवता की मूर्ति रखी है और सामने कोई भी अभ्यास होता है, तो जगमोहन में बैठ करके कृष्ण के पद गाने को जगमोहना कहते थे। और अवध में इसकी एक रवायत थी और वो सारी बाइयाँ गाती थी, निर्गुण गाती थी, ब्याह गाती थी, मुबारकबादियाँ गाती थी, और उसमें तमाम जगहों पर प्रेम का कोई मामला नहीं होता था। ज़्यादातर पारंपरिक भजनों के पद भी इन लोगों ने गाए हैं। तो ये कहना या ये समझना उस रवायत को पूरी तरीके से उसके साथ न्याय करने जैसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि एक ये भी दुर्भाग्य सबका साथ चलता है कि हर इंसान के पास एक अपना एक सिग्नेचर आइटम होता है जिसके ना उनके लिए कहा ही जाता था ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, वो कहती थी ये मेरा नेशनल एंथम है, इसको मुझे गाना पड़ेगा।
बेगम अख्तर जब कहीं जाती थी तो वो कहती थी कि मेरा नेशनल एंथम है। और इससे अलग हट के एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ कि बिस्मिल्ला खान साहब वो बम्बई के AIR में रिकॉर्डिंग के लिए तैयार नहीं थे। पूछा गया कि क्यों नहीं तैयार हैं आप, तो बहुत पैसा आपको देता है बम्बई। बोले वो जब जाते हैं तब मालकॉन्स बजवाते हैं और मालकॉन्स बजा बजा के तबीयत ख़राब हो गई, अब नहीं बजाएंगे। तो ये हुआ कि आप दूसरा कोई बजा दीजिए। तो जब वो पहुँचे तो वहाँ महफिल में उनसे कहा गया कि हुजूर मालकॉन्स बजा दीजिए। नाराज़ हुए तो उन्होंने कहा ऐसा है भैया, उसको हम बनारस में एक सेठ के यहाँ 2000 रुपये पे गिरवी रख के आए, वो जब तक वो 2000 रुपया दे के छुड़ाएंगे नहीं तब तक बजाएंगे नहीं। वो इसलिए नहीं कि उनको 2000 रुपये कमाने थे, उनको बजाने का मन नहीं था। तो उन्होंने देखा कि जब तक वो कोई दूसरा राग तय करें सुनाने के लिए, एक ज़ईफ से आदमी किसी के साथ टिकाए हुए मंच पे चले आए और धीरे से कान में आके बोले, बोले क्या है हुजूर? बोले ये 4000 रुपये हैं, रख लीजिए, 2000 गिरवी से छुड़ाने के और 2000 आज के, लेकिन मालकॉन्स बजा दीजिए। तो अब वो उनकी हालत ख़राब की, ये क्या करें, और उन्होंने मालकॉन्स बजाए। तो बहुत सारी महफिलों में, बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो गाने वाली तवायफ़ें हैं, चाहे आपके आज के पार्श्व गायक हैं, चाहे कविता सुनाने वाले लोग हैं, उनकी कुछ चीज़ें ऐसी मशहूर और सिग्नेचर हैं कि उसके बगैर काम नहीं चलता है, और वो होता ही है, और फिर वही चीज़ परंपरा में याद की जाती है। मैं इसमें एक चीज़ कहूँगी कि जैसे आप, इन्होंने एक विजन क्रिएट करा कि मंदिर में बैठकर जगमोहना गा रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर कोई मर्द गा रहा है तो आपके दिमाग में एक बड़ी स्पिरिचुअल इमेज आ जाएगी कि उस्ताद जी गा रहे हैं, पर अगर वो तवायफ गा रही है तो क्या सेम इमेज आएगी आपके दिमाग में? सुंदर बात है। और मुगल आजम में वही, और वही चीज़ बदलनी है कि जेंडर नहीं ज़रूरी है, उसकी कला पहले देखनी है, वो गज़ल ठुमरी दादरा अच्छा गा रहे हैं कि नहीं, फिर ये देखिए कि वो मर्द गा रहा है कि औरत गा रही है। पहले आप कैसे देख सकते हैं कि ये पहले औरत गा रही है कि मर्द गा रही है, और फिर हम जज करें कि ये आर्ट है कि ये आर्ट नहीं है, कि हम इसको उस्ताद कहें और इसको नाचने वाली गाने वाली कहें। ये चीज़ें आपको और हमें अपनी सोच से बदलनी है। ना सिर्फ ये भजन, ये तो मालूम है, मगर मुहर्रम में तवायफों का, हिंदू मुसलमान दोनों तवायफें किस उससे सोच पड़ती थी, मरसी पड़ती थी, और अपने एतिकाद से पढ़ती थी। ये नहीं कि पैसे दिए गए हों तो आके, बाकायदा ख़ुद को बुलवाती थी बड़ी मजलिसों में कि हम पढ़ना चाहते हैं, सवाब कमाना चाहते हैं। तो ये पार्ट जो है तवायफों का, ये बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है कि अपने गुण को, अपनी आर्ट को, अब एक तरह से डिवोशनल भी, डिवोट भी करती थी, मगर वो नहीं बात याद होती, वो सिर्फ ये याद रहते हैं कि ये लोग कोठे पे मजलिस करती थी। और होली की रवायत जो है, होली की सबसे ज़्यादा जो होली के सारे प्रचलित गीत हैं वो तो गाने वालियों के देन हैं, तवायफों के देन हैं। काफ़ी की जितनी ठुमरियाँ हैं, जितने सादरे गाए जाते हैं, जितने परज के पद गाए जाते हैं, वो सब वहीं से उठ के आए हैं, लेकिन वो आपके हिंदुओं का त्यौहार है होली, और उसके लिए सुनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं तवायफें जो थीं, और अगर मैं, अब हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, हम एंडलेसली बात कर सकते हैं, पर हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, तो हम आखिर में ये बात कहेंगे कि जैसा इन्होंने कहा यतीन जी ने अभी, कि तवायफों के गाने आपको पता ही नहीं है कि कितने आपकी ज़बान पर तवायफों के गाने हैं, और आप ये जानते नहीं हैं कि ये तवायफों के गाने हैं। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ दियो रे, ये ओरिजिनल गाना है जो इंदुबाला गाती थी, मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लियो रे। अब ये तवायफों का गाना है, आप लोगों का और हम लोगों का बड़ा फेवरेट मधुबाला सॉन्ग है। जैसे इन्होंने बताया थाड़े रही हो बांके शाम, अब वो था ओरिजिनल, थाड़े रही हो बांके शाम, आज आपको और हमको मालूम है थाड़े रही हो बांके यार। थोड़ा सा कहूँगी कि अगर आप लोग 5 बजे तक रुकेंगे तो 5 बजे हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं बेगम्स एंड बाईजीज ऑफ बॉलीवुड, उसमें हिंदी सिनेमा में ऐसे जितने गाने तवायफों के जो आए हैं, जो आप लोग के जहन में कहीं ना कहीं हैं पर आप ये जानते नहीं हैं, वो गाने आपके लिए रिक्रिएट करेंगे और आपके लिए उनकी कहानियाँ भी सुनाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं यतीन जी से और सलीम जी से लास्ट फिनिशिंग स्टेटमेंट्स लूँगी कि हिंदी सिनेमा में जो ऐसे आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, उनका क्या हमको सही रूप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? एक ज़माने में मिलता था जब नौशाद बनाते थे या शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी उसको अडॉप्ट करते थे, आज मिलना मुश्किल है क्योंकि आज वो गाने ही नहीं हैं और उस तरह की समझने वाली रवायत नहीं रही। एक गाना था गंगा जमुना का, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, सुना है आप लोगों ने,
वो गाना था गंगा रेती पे बंगला छवा मोरे राजा आवे लहर जमुनी की, ये सब गाने वालियाँ गाती थी। लखनऊ में चौक एरिया में एक गाना बहुत मशहूर था, इक्के वाले रे इक्के का पर्दा खोल दे रे, इसको मदन मोहन ने सुना, बेगम अख्तर साहिबा ने भेज के सुनवाया कि इसको सुनो, और बाद में मेरा साया में वो गाना बना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बहुत सारे गाने आपको जो फिल्मों में उस तरह के साउंड लिए हुए दिखते हैं, पाकिज़ा में आपको मिल जाएंगे, तमाम फिल्मों में मिल जाएंगे। तो वो जो एक अडॉप्टेशन था वो सब इन्हीं लोगों की परंपरा से निकल के आता था। और जिस ज़माने में ये लोग अपना नाम बदल कर, अगर आप अर्ली 40s लेट 30s के सिनेमा की फहरिस्त उठा के देखें, वो सारी अभिनेत्रियों के नाम हैं, मिस पर्ल, मिस शैला, मिस बदामी, मिस रोज़, मिस गुलाब, ये सब गाने वालियाँ थीं, ये सब फेक नेम्स हैं। और इनकी फिल्मों में एक ना एक बंदिश आपको मिल जाएगी जो दरअसल तवायफों की बंदिश है, जो बाद में फिर बहुत तरीके से फिल्मों में बदल बदल कर आती रही। मैं आखिरी कमेंट सलीम जी से कहूँगी और इसी से जुड़ा हुआ, जो ये कह रहे हैं फेक नेम्स, क्या ज़रूरत है उस औरत को, तवायफ को अपना नाम बदलने की जिससे कि आप उसे सुन सकें? क्यों हमने उसको इतना मजबूर किया कि वो अपनी आइडेंटिटी बदले? हम उसे तवायफ की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो बदल के मिस बाला, मिस रोज़ बन के आए तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे? क्यों हमने सिर्फ औरतों के लिए ये करा, मर्दों के लिए नहीं करा? वो अपना जैसे थे वैसे ही थे। तो सलीम जी, क्या आज अगर बेगम अख्तर होती तो हम उनको अख्तरी बाई फैज़ाबादी कहते रहते और तवायफ कहने पर कोई शर्म नहीं महसूस होती? देखिए वो ये कॉम्प्लिकेटेड है, वो अख्तरी बाई फैज़ाबादी हम कह ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी और एक अपने ट्रेडिशन में ये होता है कि शादी के बाद नाम बदल जाता है। और थोड़ा सा गैप भी था उनके सिंगिंग करियर में, रिकॉर्डिंग करियर में, तो जब वो दोबारा आई तो एज मिसेस सिंह। मगर ये कि बड़ी बात यह है कि मिसेस अब्बासी नहीं कह के आई, वो बेगम अख्तर जो था वो एक तरह का डिस्टॉर्शन अख्तरी बाही का था, अख्तरी को अख्तर करके बाई को बेगम कर दिया था। ये हो सकता था कि बिल्कुल डिस्गाइज करके उनका मिसेस कोई अब्बास, मिसेस अब्बासी नाम दे के वो आती। ये इन चीज़ों में हमको बेगम अख्तर की जो जिस तरह से वो एक तरह से फॉरनर थी इन चीज़ों की, वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उन्होंने, वो कभी एम्बेरस नहीं हुई। आखिर वक्त तक हमको याद है कि रेडियो स्टेशन में पुराने लोग कुछ मिलते थे, कुछ मौसीकार, कुछ दूसरे जानने वाले जो उनको अख्तरी कहते थे, अख्तरी ये सुन लो, ये अख्तरी ये सुन, बात उनको बिल्कुल झिझक नहीं होती थी। ये नहीं था कि वो बुरा माने या रिस्पॉन्ड ना करें, तैयार वो कंफर्टेबल थी। ये तो प्रॉब्लम दूसरे लोगों की होती थी कि उनको वो एक्सेप्ट, नोशनल जो अख्तरी का कॉन्सेप्ट था वो नहीं एक्सेप्ट करना था। वो अपने घर में अख्तरी बाई को नहीं बल्कि बेगम अख्तर को बुलाना चाहते थे, वो बेगम अख्तर से कहना चाहते थे कि हमारे यहाँ मांझा है गाना गा दो, अख्तरी बाई से नहीं। और वो और उस स्टेट में वो कहती थी ऐसे गाने तो हम गाते नहीं हैं, हम गज़ल गा देंगे। अब वही जो आपने बात कही थी कि ओकेजन्स के गाने पूरा डिस्कार्ड करके, नहीं नहीं हमको तो नहीं आते शादी वादी के गाने, उनका मर्जी, उनकी मर्ज़ी, जो चाहें करें। इसी के साथ मैं सेशन ख़त्म करूंगी, पर एक बात कहकर कि रेखता फाउंडेशन का और संजीव सराफ का एक बार फिर शुक्रिया कि उन्होंने अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर तवायफ के बारे में हम बात कर सकें। और एक सच्चाई है कि आप सब लैंग्वेज, लिटरेचर, शायरी, नृत्य, संगीत के प्रेमी हैं जितने यहाँ बैठे हैं, और आप सब के पास ये सब नहीं होता अगर 200-400 साल तवायफें नहीं होती तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ बैठे सुने।